इसमें संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां, संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। तो इसमें हमें क्या देखना है कि संज्ञा के व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत ये सब आते हैं, और यही हमें इसमें विशेष रूप से आपको बताना है कि किस तरह से ये कोटियां जो हैं किस प्रकार से हैं अलग अलग। ये इन कोटियों के अंतर्गत कौन सा है? कारक है। अब कारक के विषय में हमने आपको ये सारी परिभाषाएं आदि, कारक की परिभाषा, कारक थोड़ा हम थोड़ा सा संकेत इनसे फिर आपके सामने करते हैं कि कारक जो है यदि उसे परिभाषा के अंतर्गत देखें तो यदि इस परिभाषा के अंतर्गत इसको देखें तो कारक वह व्याकरणिक कोटि है कि जो यह बताती है कि वाक्य की क्रिया के साथ वाक्य की क्रिया के साथ उस वाक्य में नियुक्त संज्ञा होगा। उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का क्या संबंध है? कारक वैसे तो यहाँ पर आठ प्रकार कारक माने जाते हैं। इन सभी कारकों का अलग अलग वैसे पहले छह कारक थे, उसके बाद दो कारक और कहते हैं कि इसमें आगे चलकर इस सूची में दो नाम और जोड़ दिए गए, संबंध कारक और संबोधन कारक। वैसे शुरू में ये छह कारक माने जाते थे और इसमें आप आठ कारक मान करके चलें कि इस प्रकार कारक आठ प्रकार
आठ प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं, इनके विषय में हम आगे लिखते हैं। वाक्य में जो सर्वनाम शब्द हैं
उन सर्वनाम शब्दों सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है तो वह संज्ञा कर्ता में होती है। कर्ता को व्यक्त करने वाला केवल नेचिन्ह ही नहीं है बल्कि शून्य से के द्वारा आगे भी कर्ता कारक के चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से यहां पर यह बताया गया है। तो हम इसमें हर तरह से ये देखते हैं कि ये जो चिन्ह है इनके द्वारा बच्चा भर गया या अन्य बच्चे ने काम नहीं किया। बच्चा भर गया है तो इसमें कारकीय चिन्ह जो है जीरो, इसमें कोई भी कारक का कारक चिन्ह नहीं। तो जैसे बच्चा बच्चा भर गया है, बच्चा भर गया है तो इसमें शून्य चिन्ह शून्य हुआ। अब इसी तरह से यदि बच्चों ने फिल्म देख ली है बच्चों ने यहां पर ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है ने हुआ। अब इसी तरह से देखिए मां से चला नहीं जाता, इसी तरह से राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया। के द्वारा यहां पर द्वारा शब्द आ गया के द्वारा। तो इसी प्रकार से ये चिन्ह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो इसी प्रकार से ये हमारा कर्ता कारक हुआ। कर्ता कारक में हमने बताया आपको कर्ता कारक शून्य ने से के द्वारा ये इसके चिन्ह हैं। इसमें एग्जाम्पल वो उदाहरण देखें तो उदाहरण में बच्चा घर गया, इसमें कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, ये शून्य चिन्ह माना जाता है। बच्चों ने फिल्म देख ली है, बच्चों ने चिन्ह का यहाँ प्रयोग किया गया है। माँ से चला नहीं जाता से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया के द्वारा इसमें चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से
ये हमारा हुआ यहाँ पर कर्ता कारक। तो कर्ता कारक इस प्रकार से आपके सामने। अब हम देखते हैं कर्ता के बाद में कर्म, कर्ता कर्म। अब कर्म को देखते हैं, कर्म इसमें हमने आपको कर्म वाला बताया कार्य के विषय में। अब इससे पहले जो था कारक, मैं इसमें कर्ता कारक, कर्ता कारक के अंतर्गत आपने इसे देख लिया। कर्ता कारक में हमने आपको बच्चा घर गया, ये सुनने में आता है, बच्चों ने फिल्म देख ली, ये नेट हिलने में आता है, और माँ से चला नहीं जाता, ये नेट हिलने में आता है। तो माँ से चला नहीं जाता तो से हिलने में आ गया, तो ये हमारा कर्ता हुआ था। और राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया तो के द्वारा ये चिन्ह में आता है। तो इस प्रकार से हमारा कर्ता कारक पूरा हुआ। कर्ता कारक के बाद कर्म कारक आता है। कर्म कारक में भी शून्य को और से इसके चिन्ह माने जाते हैं, और इसमें वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में होती है, ये बताया गया। तो उदाहरण के हिसाब से देखें तो लड़कियां तबला बजा रही हैं, सुनने में आता है, लोगों ने उस इमारत को गिरा दिया, को इमारत को गिरा दिया, तो ये को चिन्ह में आता है। और मैंने मोहन से पहले ही कह दिया था, मोहन से कह दिया था, से चिन्ह में आता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कर्म कारक हुआ। तो कर्ता कारक और कर्म कारक, कर्ता कारक और कर्म कारक। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे, कर्ता कर्म और कर्ण, ये हमारा अब तीसरा कारक हमारे सामने आता है, कर्ण कारक। कर्ण कारक में देखते हैं कि कर्ण कारक का अर्थ है साधन। अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में, वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है, में जो संज्ञा
कारण कार्य करती है, वह ग्रहण कारण में होती है। वह ग्रहण कारण में होती है। तो इसमें उदाहरण देते हैं, उदाहरण में यदि देखें तो इसमें इनका कारकीय चिन्ह जो माना जाता है से माना जाता है, से ये इनका कारक चिन्ह है। और इसी के विषय में देखते हैं, बच्चे ने बोतल से दूध पिया, बच्चे ने बोतल से दूध पिया। ये हमारा होगा, और इसमें बोतल से दूध पिया, इसलिए इसमें से चीज बोतल से। तो यहां पर जैसे उसने चाकू से फल काटे, उसने चाकू से फल काटे, फल काटे। तो यहां भी से चिन्ह का ही उपयोग किया गया, यहां भी से चिन्ह है चाकू से, ये चाकू से या बोतल से। तो इसमें उदाहरण में सबसे पहले से चिन्ह है, कारकीय चिन्ह जो है वह करण कारक का अर्थ है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में होती है, उसे ही हम करण कारक में मानते हैं। यदि उदाहरण के विषय में देखें तो बच्चे ने बोतल से दूध पिया, बोतल से क्या पिया, दूध पिया, तो क्रिया का साधन बनी हुई है। तो से चिन्ह का यहाँ उपयोग किया गया है, कारकीय चिन्ह है से, उसने चाकू से फल काटे, चाकू से काटे फल काटे। तो यहाँ पर से चिन्ह कारकीय चिन्ह का यहाँ पर योग से का योग है। तो इसी प्रकार से ये करण कारक के उदाहरण होंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार से ये इस प्रकार ये चिन्ह चिन्हों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। आज इतना ही, फिर